आज हम मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 100 ग्राम गाजर, 200 ग्राम गोभी, इसे फूल गोभी भी बोलते हैं, आधा कप मटर, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 1 मूली। वेजिटेबल आप अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपको जो पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, थोड़ी सी अदरक, जिसे छोटे छोटे पीसेस में काटा है, 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया, और 100 ग्राम मेथी जिसे बारीक काट लिया है, ये मीडियम साइज़ की प्याज जिसे बारीक काट लिया है, 100 ग्राम ऑयल, आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ इसे किस तरह बनाते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी हींग। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। जीरा, देखिए जीरा भी भुन गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को मैं इस तरह चलाते हुए गोल्डन कलर का भूनूंगी। प्याज को मैंने ऐसे चलाते हुए ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर का भून लिया है। अब मैं इसमें मिर्च डाल देती हूँ और अदरक भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, फिर हल्दी पाउडर, इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ, धनिया पाउडर, फिर मैं इसमें इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालकर मैं इसे आधा मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके पकाऊंगी। फिर इसमें नमक डाल दूंगी, फिर इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। अब मैं इसमें सब्जियों को डाल दूंगी। मटर इसमें डाल देती हूँ, फिर इसमें मिक्स कर लेती हूँ, फिर गाजर, फिर आलू इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें गोभी और मूली, फिर इसमें डालेंगे मेथी जो हमने कट करके रखी थी, फिर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इनको ढक्कन से कवर करके कुक करेंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेती हूँ, और मैं इसको बीच बीच में चलाती भी गई इससे ऊपर नीचे करके। अब मैं आलूओं को चेक कर लेती हूँ। आलू थोड़ा सा कच्चा है, अभी इसे 1-2 मिनट और कुक कर लेती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी भी गल गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें।